हाँ जी नमस्कार, मेरा नाम है दीपक, चैनल पे स्वागत है। तो G20 समिट जो दिल्ली में हो रही थी खत्म हो गई है। क्या निकला इस समिट का, क्या नहीं निकला, वो आपने न्यूज में देख ही लिया होगा। लेकिन इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इसमें एक सबसे बड़ी चीज जो बाहर निकल के आई है वो है इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप मेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर। जी इंडिया मिडल ईस्ट और यूरोप को डायरेक्टली जोड़ने वाला एक कॉरिडोर। व्हाइट हाउस ने भी इससे रिलेटेड एक डॉक्यूमेंट ऑलरेडी रिलीज कर दिया है, जिसमें बोला गया है कि अगले 60 दिनों के अंदर अंदर जो जो कंट्रीज इसमें शामिल है उन्हें मीटिंग करके एक एक्शन प्लान इसके रिलेटेड रिलीज करना होगा। लेकिन इकोनॉमिक कॉरिडोर है क्या ये बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये बताऊं कि यूएसए, इंडिया, सऊदी अरेबिया, यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपियन यूनियन, इन्होंने अपना कमिटमेंट दे दिया है इस प्रोजेक्ट के लिए। अब आओ मैप में मैं आपको बताता हूँ ये कॉरिडोर है क्या। तो कॉरिडोर स्टार्ट होगा इंडिया से और इंडिया से यूएई तक समुद्र है, तो एक शिपिंग लेन के थ्रू इंडिया को डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे यूएई तक, जिसके बाद यूएई से सऊदी अरेबिया फिर इसराइल तक, क्योंकि ये देश बॉर्डर शेयर करते हैं, इनमें एक रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। अब इसराइल और ग्रीस इन दोनों के बीच में वापस समुद्र है, तो यहाँ से फिर से शिपिंग लेन बिछा देंगे और यहाँ से यूरोप के अलग अलग देशों तक फ्रेट ट्रेन की मदद से उन्हें जोड़ देंगे। यानी आपने देखा इंडिया मिडल ईस्ट और यूरोप से बिल्कुल डायरेक्टली कनेक्ट हो गया। अच्छा यहाँ पे क्या ये आगे जाके अमेरिका तक भी जाएगा? नहीं, तो फिर अमेरिका इसे इतने अग्रेसिवली क्यों प्रमोट कर रहा है? दो कारण है, पहला चाइना, दूसरा रशिया। जी हाँ, चाइना का आपको पता हो तो बेल्ट और रोड इनिशिएटिव चल रहा है, वो भी एक कॉरिडोर है बहुत बड़ा। पाकिस्तान में सीपेक बना है ना, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान अब सुपर पावर बन गया है। तो हाँ, पाकिस्तान को जिस सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ने सुपर पावर बनाया, ये चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का ही एक पार्ट था। बहुत सी कंट्रीज आज चाइना के इस कॉरिडोर से टू बी ऑनेस्ट बहुत परेशान हो गई है। दूसरा है रशिया। रशिया का नॉर्थ साउथ इकोनॉमिक कॉरिडोर ये इंडिया को भी कनेक्ट करता है, ईरान भी इंक्लूडेड है इसमें। ये वैसे इतना कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है, लेकिन रशिया और यूरोप के रिलेशंस बहुत खराब हो चुके हैं इस वक्त, जिस वजह से इस कॉरिडोर के थ्रू यूरोप तक जाना आज मुश्किल है। तो अमेरिका का फायदा है एक्चुअली इसमें जियोपॉलिटिकली, जहां वो चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर कर रहा है इस कॉरिडोर के थ्रू, और इंडिया की रशिया के नॉर्थ साउथ कॉरिडोर पे जो डिपेंडेंसी है उसको कम कर रहा है। खैर इस पे अब काम शुरू होगा और मेरे ख्याल में तो अच्छा कॉरिडोर है, इंडिया को मिडल ईस्ट और यूरोप तक का एक डायरेक्ट एक्सेस मिल जाएगा। इससे काफी अच्छा डिसीजन हुआ ये G20 में, शायद जो बाइडेन की नींद पूरी हो गई इंडिया आके, तो अच्छा रिजल्ट निकला है। बाकी अभी तो यही डिटेल्स हैं, इसके भी शुरुआत है, डिटेल्स आएंगे अभी बाद में धीरे धीरे। आपको कुछ कहना हो इससे रिलेटेड नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। वीडियो में मुझे यही अपडेट देना था, मिलूंगा फिर से नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद।